अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं डेली फ्रेश ट्रेडिंग। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली फ्रेश ट्रेडिंग। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कल के जो सिग्नल थे वो बहुत अच्छे रहे। आज 22 अप्रैल 2022 आज फ्राइडे, बल्कि थर्सडे जुमे रात का दिन है थर्सडे। तो जो आज पहला सिग्नल है भाई जी USDCHF का, कल हमने बाय किया था, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। अगर किसी ने फॉलो किया हो तो वीडियो लात में देख करें। आज हम इसे यहाँ से सेल करेंगे, बल्कि आज भी इसे बाई करें और बाय जो लिमिट दी हुई है, जो मेरा सिग्नल होता है उसी को फॉलो किया करें। पहला टीपी लगा लिया करें और जहाँ से बाय का वहाँ से बाय करें और ऐसा लाजमी लगाया करें, स्टॉप लॉस लाजमी लगाया करें। और दूसरा सिग्नल है अभी USD का। USD कल भी हमने बाय किया था, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला, टीपी हमारे हिट हुए, उसके बाद मार्केट फिर नीचे आ गई। आज फिर जहाँ से बाय करें, उम्मीद है आज TP1 लगाएं, स्टॉप लॉस लाजमी लगाया करें। कल भी इससे अच्छा प्रॉफिट मिला। और जो तीसरा सिग्नल था GBP USD का कल हमारा बाय किया था, लेकिन ये नीचे है, एक सिग्नल बाद ये GBP USD जिसने हमें कल लॉस दिया है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि ऐसा लाजमी, एक भाई ने लगाया हुआ था, उसने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजे, लेकिन अब मैंने कहा था एक ट्रेड लगाया करें, उसने ज़्यादा लगाई और SL लाजमी लगाया करें, वेट किया करें मार्केट का, SL लाजमी लगाया करें। इसलिए तो मैं SL देता हूँ, वरना मैं SL क्यों दूँ आप लोगों को। और जो भी ट्रेड लगाया करें चाहे पूछ लिया करें। और इसका यहाँ से आपने बाय करना TP1। और ये जो GBP USD है, ये देखे ना आप, ये जो पट्टी बनी हुई है मेरी, ये पट्टी आपको नज़र आ रही होगी जो लगी हुई है बीच में, इसका मतलब है ये सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन दे रही है, इससे अप जाने के चांस है। नीचे इसको अगर डाउन ब्रेक कर जाती है तो इसने बहुत नीचे चले जाना है, अदरवाइज़ ये सपोर्ट का काम कर रही है, इससे बार बार अप की तरफ रिजेक्शन मिलती है। आज आपने इसी पे ट्रेड करनी है, स्टॉप लॉस लाजमी लगाया करें, क्योंकि अगर एक दिन स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता तो हम नेक्स्ट प्रॉफिट कर लेंगे, इसलिए कोई इशू नहीं होता, स्टॉप लॉस मस्ट है। उसके बाद USDJPY, इसने भी कल सेल किया था लेकिन बहुत थोड़ा प्रॉफिट दिया, लेकिन प्रॉफिट में आई ये, आज भी इसे यहाँ से सेल करें और स्टॉप लॉस आपने लाजमी लगाना। ये देख लें आप, ये जी सेल का देख लें, एंट्री कहाँ से सेल बताइए, वहाँ से सेल करें, TP1 लगा दिया करें, स्टॉप लॉस लगा के चाहे फिर आराम किया करें, फिर टेंशन ख़त्म हो जाती है। स्टॉप लॉस और TP लग जाता है फिर टेंशन ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जी EURGBP, इसके भी कल जो TP1 था TP2 दोनों सक्सेसफुली हिट हुए, बहुत अच्छे तरीके से हिट हुए। कल भी बाय किया था, आज भी इसे यहाँ से बाय करें, स्टॉप लॉस और TP लाजमी लाएं। ये आपके सामने आए, इसको यहाँ पे बताया हुआ था TP कौन सा है और स्टॉप लॉस। उसके बाद जो नेक्स्ट सिग्नल है वो जो NAS 100 का अच्छे तरीके से हमारे 200 पिप प्रॉफिट मिला, 200 पिप। TP1 भी हिट हुआ, TP2 भी हिट हुआ। जब TP हिट हो गए हमारे दोनों वाले अलहमदिल्ला, उसके बाद फिर मार्केट डाउन आई है। बाय किया था हमने कल जहाँ से सिग्नल दिया, सीधा TP1 हिट हुआ 100 पिप का, फिर दूसरा 100 पिप का TP, 200 पिप का TP, दोनों हिट हुए, उसके बाद मार्केट गिरी। आज फिर यहाँ से इसे बाई करेंगे हम 13724 से। और ये जो सिग्नल है आपके सामने है, इसको फॉलो करना है आपने, TP यही लगाना है आपने और SL भी यही लगाना है। उसके बाद जो नेक्स्ट सिग्नल है गोल्ड का कल भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हमने लिया, 1955 से सेल कहा था, अगर किसी ने 50 से भी सेल किया तो 45 और 40 TP हिट हुए हैं। आज भी इसे 1955 से सेल करना है आपने, 1955 से सेल करना, TP1 और TP2 जो दिल करे आप लगा लें, और SL लाजमी, SL मस्ट लगाना, मेरी बात याद रखना। और छोटा कोशिश किया अपनी मनी मैनेजमेंट के तहत ट्रेड लिया करें, अकाउंट को मनी इक्विटी को फॉलो किया करें। और उसके बाद BTC कल अल्हम्दुलिल्लाह, इसका भी 100 पिप का TP हिट हुआ, उसके बाद मार्केट डाउन आई है। आज फिर यहाँ से इसे बाय करें 40703 से, और वही जो इसी को फॉलो किया करें, सिग्नल जब मेरे फॉलो करते हैं तो फिर जो सिग्नल में बताया जाता है SL वही लगाया करें और TP लगाया करें। और जो ट्रेड अगर की करता है मेरे ग्रुप में मौजूद है तो मुझसे पूछ भी लिया करें। ठीक है, आज की यही सिग्नल है, ख़त्म हुई। वीडियो को पसंद आए तो लाइक किया करें, जला अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ओके, फिर नेक्स्ट मिलते हैं कल वीडियो में। ओके, अस्सलाम वालेकुम।